पाकिस्तान इंडिया का मैच क्यों हारा था अहमदाबाद में, मोहम्मद रिजवान ने बता दिया है, डिस्क्लोज कर दिए सारे फैक्ट्स और सीक्रेट्स, अब पाकिस्तानी और इंडियन फैंस को सुनने पड़ेंगे। मोहम्मद रिजवान ने वीडियो मैसेज अपलोड किया और बता दिया है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया था इंडिया से, कौन से डिपार्टमेंट ऐसी थी जिसमें पाकिस्तान कम पड़ गया था अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को, और क्यों फैंस मायूस है पाकिस्तान टीम से। मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि हम स्किल में किसी टीम से कम नहीं है, हमारे पास टॉप बॉलर्स है दुनिया के, हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वो आउट नहीं कर रहे ये सच है, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं फिर भी उनको डिसमिसल्स नहीं मिल रही है, हमारा बैटिंग ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, हम लोग स्किल वाइज पीछे नहीं है किसी से। लेकिन रिजवान ने ये कह दिया गेम अवेयरनेस में कमी है, हम लोग गेम अवेयरनेस में पीछे हैं, यानी कि कौन से डिसीजंस कब लेने हैं, कौन सा राइट डिसीजन है, कौन सा रॉन्ग है, अप्रोच कैसे करना है गेम को, उसमें रिजवान मान गए हैं कि हम लोग पीछे थे इंडिया से, इंडिया ने गेम को बेहतर अप्रोच किया, उनको पता था किस बॉलर को कहां पर यूटिलाइज करना है। तो क्या कप्तानी का मामला है, क्या बाबर आजम की कप्तानी पर सवालिया निशान उठते हैं, क्या रिजवान की ये स्टेटमेंट जो बता रही है उसमें कप्तान का ही सारा कसूर है, या उसको वाइस कप्तान और सीनियर प्लेयर्स शाहीन, रिजवान, शादाब, फखर जो भी बाहर बैठा हुआ है, या टिंक टैंक जो है, जो मिकी आर्थर है, ग्रैंड ब्रैडबर्न है, उनकी तरफ से भी सपोर्ट आनी चाहिए। तो कसूरवार कौन है, क्या प्लानिंग की कमी सिर्फ बाबर आजम में जाती है या प्लेयर्स पे जाती है, या मैनेजमेंट भी इसमें कसूरवार है, ये आपको बताना होगा। रिजवान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के फैंस बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान टीम को, वो दिल बर्दाश्त है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। रिजवान कह रहे हैं हम एक मैच हारे इंडिया से, उससे पहले हम 2 मैचेस जीते हुए थे, लेकिन हमारे 6 मैचेस मिनिमम अभी बाकी हैं वर्ल्ड कप में, हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने हथियार नहीं डाले, हम अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए हैं, हम वन ऑफ द फेवरेट्स हैं और रहेंगे, अभी आप लोग भी हिम्मत ना हारें। रिजवान ने यह भी कहा कि हम जिससे भी मिलते हैं, चाहे वो पुलिस वाला है, रेंजर्स है, आर्मी वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, दुकानदार है, लेमैन है, सब पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करते हैं, हमें दुआएं दे कि उन्होंने इंडिया भेजा है, हम लोग लोगों की एक्सपेक्टेशन पे इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। आप एक मैच के बाद हिम्मत ना हारे, मुंह पर सारे तारीफ ही करते हैं रिजवान का कहना है, पीछे जैसा भी जो भी फैन हो, लेकिन जिससे भी वो मिलते हैं वो यही कह रहे हैं तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, एक मैच हार के आप लोग उम्मीदें ना कम करें। रिजवान का यही कहना है कि हमें फैंस की दुआओं की जरूरत है, टीम जो है उसका मोराल थोड़ा सा डाउन जरूर है इंडिया से हारने के बाद, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये आखिरी मैच नहीं था वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान एलिमिनेट नहीं हो गया, पाकिस्तान की नेट रन रेट खराब नहीं हुई, अभी भी पाकिस्तान बना हुआ इस वर्ल्ड कप में, अभी भी चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप के लिए सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता है, उसके बाद लॉटरी है। जैसे 92 का वर्ल्ड कप आपने बिल्कुल डिसमिस कर दिया था पाकिस्तान को, राइट ऑफ कर दिया था, पाकिस्तान के बैक्स जो थे वो वॉल के साथ लगे हुए थे, दीवार के साथ, लेकिन वहां से पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, तो अभी भी बहुत कुछ है इस वर्ल्ड कप में खेलने को। अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि वो भी हारते हुए आ रहे हैं, एक मैच जीते हैं, पाकिस्तान 2 मैचेस जीता हुआ है, अब ये मेक और ब्रेक हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचेस ऑन द बाउंस हारना कबूल नहीं करेगा, उसके बाद फिर ट्रिकी फिक्स्चर है अगेंस्ट अफगानिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका भी, तो पाकिस्तान को जीतना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। लेकिन अभी भी रिजवान ने यही कहा कि हम स्किल वाइज किसी से कम नहीं है, हम जरूर कम है तो कहीं पर गेम अवेयरनेस की कमी है, वहां पर हम पीछे रह रहे हैं, अप्रोच किस तरह करना है मैच को वहां पर पीछे रह रहे हैं, क्या बेहतर हिकमत अमली स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाई जा सकती है, वहां पर पाकिस्तान पीछे रह रहा है, लेकिन पर्सनल जो है पाकिस्तान का या स्किल सेट जो है वो किसी भी टीम से कम नहीं है। बिलाशुबा पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, जिनमें शादाब और नवाज की भी उन्होंने बात की कि उनको भी बैक करें, अच्छे स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं, आउट नहीं करें लेकिन बॉलिंग अच्छी करें, रिजवान का ये कहना है। तो क्या आप अग्री करते हैं रिजवान के स्टेटमेंट से, क्या पाकिस्तान स्किल वाइज टॉप टीम्स के बराबर है और क्या गेम अवेयरनेस की ही कमी है? इंडियन फैंस आप भी बताएं, क्योंकि आपने पाकिस्तान को देखा खेलते हुए अहमदाबाद में, क्या पाकिस्तान असल में स्किल वाइज भी कम है, और पाकिस्तानी फैंस आप बताएं रिजवान के स्टेटमेंट से सहमत हैं या कोई बात कुछ और ही है?